तो फाइनली ये रहा मेरा सेकंड ब्लॉग, ऑफिशियली सेकंड ब्लॉग। इस ब्लॉग में मैं आपको बताऊंगा मेरे कई सारे बिजनेस, इसमें से एक बिजनेस जो कि ब्रोकिंग फर्म का भी है, उसी में से एक फ्रेंचाइजी है मोतीलाल ओसवाल, जिसके टूर के लिए मैं भोपाल से इंदौर गया था। आप देख ही सकते हैं कि होशंगाबाद से मैंने नर्मदापुरम से मैंने ट्रेन पकड़ी, यह शताब्दी, वो पकड़ के मैं आ गया भोपाल। भोपाल में अपनी फ्रेंड के यहाँ मैं जाता हूँ नारियल पानी लेकर के, क्योंकि मैं डिहाइड्रेट हो चुका होता हूँ। ठीक है, हमारी बस रहती है शाम को, तो दिन भर वहाँ व्यतीत करने का। शाम को मैं और मेरी फ्रेंड, आप देख ही सकते हैं, हम लोग पहुँच जाते हैं वर्मा ट्रेवल्स IHBT, क्योंकि यहाँ से हमें एक पिकअप वैन लेने आती है, जो कि हमें छोड़ती है सीधा नियो बस सर्विस, जिससे मैंने भोपाल टू इंदौर की टिकट बुक कराई थी। इसमें जो है कि ये फुल्ली इलेक्ट्रिक बस होती है। इस बस से जो है कि हम लोग इंदौर जा रहे होते हैं, कंडक्टर साहब जो कि आप सामने देख ही सकते हैं, इनसे पूछ के कि हमारी बस एसी में हमारा रिजर्वेशन है कि नहीं, वो बताते हैं हाँ है, सबसे लास्ट वाली सीट पर है। तो हम लोग जा करके अपनी सीट पर बैठ जाते हैं। आप देख सकते हैं कि पीछे से कितना अच्छा व्यू आता है, और मेरी सेंटर वाली सीट थी तो काफ़ी अच्छा मुझे व्यू देखने को मिला। रास्ते में हम लोग रुकते हैं, क्योंकि सभी लोगों को खाना वगैरह खाना रहता है, तो यू नो रुक करके हम पहुंच जाते हैं इंदौर, जहां पे आप देख सकते हैं कि मेरा एक दोस्त गणेश और हमारा एक और कॉमन फ्रेंड माखन वहां मुझे मिल जाते हैं। कट टू नेक्स्ट डे हम लोग पहुंच जाते हैं सीधा उस होटल में, जिस होटल में हमारा प्रोग्राम चल रहा होता है। वहां पहुंच के नाश्ता ऑलरेडी शेयर हो चुका होता है, तो मैं नाश्ता करके फिर हम लोग जो है कि मीटिंग स्टार्ट कर लेते हैं। हमारी ये सेमिनार काफ़ी बड़ा होता है, इसमें हमें बिजनेस के बारे में काफ़ी सारी चीज़ें सिखाई होती है, सॉफ्टवेयर वगैरह के बारे में बताया होता है कि सिग्नल्स के सॉफ्टवेयर भी होते हैं, और बिजनेस कैसे ग्रो कर सकते हैं, अपने गूगल पेज पे कैसे जो है कि ध्यान रख सकते हैं, सारी चीज़ों के बारे में बताते हैं, कुछ IAPA सर्विस के बारे में बताते हैं। उसके बाद जो है कि ख़त्म होने के बाद हम लोग लंच करने आ जाते हैं। मैं टेरिस पे घूमने आता हूँ, यहाँ का व्यू आप देख सकते हैं। और लंच करने के बाद जो है कि हम लोग फिर सीधा शाम की बस पकड़ के दोबारा रिटर्न आ जाते हैं भोपाल के लिए। आप देख ही सकते हैं विजयनगर का ये चौराहा है, जहाँ से हमारी हमें बस लेनी थी, बस बोर्ड करनी थी। ठीक है, थोड़ी देर वेट करने के बाद हमारी बस आ जाती है, बस में हम लोग बैठते हैं और जो है कि फिर लास्ट की सीट लेकर के हम लोग निकल जाते हैं भोपाल की तरफ। तो फाइनली मेरा ये सेकेंड ब्लॉग है, नंबर वाइज जो है कि ये सेकेंड है, बाकी आया ये फिफ्थ नंबर पे है, बाकी आप लोग समझ ही सकते हैं, क्योंकि ये पेंडिंग था। ये मेरा ब्लॉग कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको ऐसे ही और ब्लॉग देखने हैं तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अगर आपको मेरा ये ब्लॉग पसंद आया तो आप मेरा वीडियो लाइक कर सकते हैं। मैं मिलता हूँ आपसे।